हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डी फार्मा फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, डिप्लोमा है, आपके कॉलेजों में आ चुका है। कुछ कॉलेजों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है और कुछ कॉलेज अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि आपके यहाँ की मार्कशीट वगैरह आ चुकी है कि नहीं आई है, डिप्लोमा आ चुका है कि नहीं। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉलेज की तरफ जाके कॉलेज मैनेजमेंट से या फिर जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है से आप बात कर सकते हैं कि हमारा डिप्लोमा आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फाइनली डी फार्मा फाइनल ईयर का जो है मार्कशीट आ चुका है विद्यालयों में। कुछ विद्यालयों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अब जहाँ तक मेरा अनुमान है कि काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग जो 3 महीने की सिविल हॉस्पिटल या फिर कहीं पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको PCI रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा। ऑलरेडी क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए वीडियो बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आप फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाते हैं। और एक चीज़ और, इस बार कोविड की वजह से जब से कोरोना आया तब से PCI की तरफ से एक रूल निकाला गया है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल करने के बाद ही आप वहाँ से अगर रिप्लाई आता है तो तब भी आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे पहले आप नहीं जा सकते। एक दिन में 100 रजिस्ट्रेशन ही होंगे, ये नया रूल निकल के आया है। चीज़ें कुछ बदल चुकी हैं, पहले ₹500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस था, उसका भी चार्ज चेंज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फ़ीस दोनों बदल चुकी हैं। तो आप लोग सारी चीज़ों को देख लीजिएगा किस तरीके से, अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, कैसे आप पूरा प्रोसीजर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे कि कैसे आप UP PCI में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर और पर्सनल नंबर पर कॉल करके कि सर एक समस्या आ रही है कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है। मैंने अक्टूबर में मेल किया था, अभी तक अपॉइंटमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आया कि मुझे अपॉइंटमेंट कब मिला है, कब मुझे आना है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, भ्रष्टाचार के इस युग में आप लोग कोई चीज़ आसानी से आपको नहीं मिल सकती है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन तो पहले हो जाता था नॉर्मली, लेकिन जो ग्रीन कार्ड होता था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था वो PCI की तरफ से भेजा नहीं जाता था। उसके लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट हैं चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। लेकिन उसको अगर आपको ओवरकम करना है तो सीधी सीधी बात है कि आपको ₹15,000 चार्ज देना पड़ता था। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको आपका ग्रीन बुक और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, चाहे आप बाई हैंड ले लीजिए चाहे बाई पोस्ट ले लीजिए। और अब पूरा सिनेरियो क्या है कि आप 20,000 अराउंड पेड करिए, आपको बेड आउट उसके अपॉइंटमेंट के सीधा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी और विथ इन 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ मान के चलिए आपको आपका ग्रीन बुक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मतलब ₹20,000 दीजिए और सीधा आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रीन बुक और बिना अपॉइंटमेंट के आपका काम हो जाएगा। ये मुझे जो अभी तक मुझे पता चला है या जितने लोगों का मेरे थ्रू काम हुआ है, जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है या मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या होती है। देखो, मार्कशीट आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे करवाना है, क्या सारा प्रोसीजर है, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अगर आप ये चाहते हैं किस तरीके से UP PCI में एक फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जाए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमसे व्यक्त कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की। तो जानकारी अगर समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।